नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में नए जन आंदोलन की शुरुआत। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार ने जय स्तंभ चौक स्थित होटल जीत रेसिडेंसी में पत्रकार वार्ता कर कहा। इस दौरान शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सहित भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में नए जन आंदोलन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार ने जय स्तंभ चौक स्थित होटल जीत रेसिडेंसी में पत्रकार वार्ता कर कहा। इस दौरान शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष सहित रीवा महापौर भी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बुरहानपुर से सुसनेर आगर मालवा तक 13 दिन की यात्रा पे सभी धार्मिक स्थलों पे राहुल जी का जाना और धार्मिक स्थलों पे जाने के बाद जिस तरह ने उज्जैन महाकाल की नगरी पे दर्शन किया, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन को भी दिल में छू लेने वाला काम दिखाई दिया और दिखता है। लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मंदिर दर्शन की बात को अलग ढंग से, अलग तरीके से पेश करना, तो भारतीय जनता पार्टी के ही पेट में दर्द हो रहा, बाकी अन्य किसी के पेट, दलों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। इस यात्रा से अगर कोई घबराया हुआ है और कोई चिंतित है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता आप खुद ही समझ जाइए कि एक आदिवासी शिक्षक को उन्होंने निलंबित कर दिया। जो माननीय राहुल जी की जो मध्य प्रदेश में जो यात्रा हुई है, ये जो 387 किलोमीटर की जो यात्रा हुई है, जिसके अंदर जो पूरी तरीके से जनता का जो अपार समर्थन जन मिला है, जिसमें जो है स्वच्छता समूह की महिलाएं, आपके जो है कई जो विश्व हिंदू, कई जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, और जो है आपके जो है पूरी तरीके जो इसका जो वो मिला, तो इसमें सबसे विशेषता ही रही कि हर वर्ग के लोग माननीय जो है राहुल जी की यात्रा में शामिल हुए। और मान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जी भी पूरी यात्रा में शामिल है, और भारत के जो जितने जो पदयात्री थे उसके साथ में उनके साथ भोजन करा, पूरा वो करा, तो उसी के सफल बनाने के लिए सफल जो आयोजन हुआ है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो आने वाले समय में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से जो है हर ग्रामीण सेक्टर मंडलम में जो काम करेगी, उसी इससे एक ऊर्जा मिली है और पूरे प्रदेश के अंदर इसका बहुत अच्छा संदेश गया है। बेरोजगारों से ही बात करी है, जो कर्मचारी पूर्व पेंशन योजना वाली जो वो है उससे बात करी, तो सब चीज़ों का वो हुआ है। तो ये और रिटायर फौजियों से बात करी, तो इससे ऐसे बहुत अच्छा जो संदेश गया है, इसी को आगे जो है बहुत अच्छा करने के लिए आने वाले समय में जो कांग्रेस पूरी तरीके से मंडलम बूथ सेक्टर में अभियान चलाएगी और कांग्रेस की जो पूरी नीति जन जन तक पहुंचाएगी, जिससे कि जो है आने वाले समय में चुनाव को की यात्रा तो फिर राजनीतिक यात्रा थी नहीं। राहुल जी ने तो मिलने भारत जोड़ो यात्रा थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो उसके अंदर जो है उन्होंने जो करा है राहुल जी की जो यात्रा थी बड़ी सफल थी। यहाँ पर हमारे रीवा से कम नहीं तो हजारों की तादाद में लोग गए, कांग्रेस कार्यकर्ता और वर्कर गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था बेहदाई या बेरोजगारी। राहुल जी ने ये जो यात्रा भारत जोड़ो की, ये नफरत के खिलाफ की, जो ये वर्तमान में सरकार है ये जात पे जात को बांट रही है, भाई को भाई पे बांट रही है। इस तरह की जो ये नफरत की भावना फैलाई जा रही, उसको उन्होंने भारत को एक करने के लिए ये यात्रा की। और ये यात्रा में जो मध्य प्रदेश में यात्रा हुई वो व्यापक सफल यात्रा रही। इसमें ये युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ ये लोगों ने, पब्लिक ने आवाज़ उठाई। उस यात्रा में हम लोग शामिल थे, हमारे जिला अध्यक्ष शामिल थे, शहर अध्यक्ष शामिल थे, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सब शामिल थे। हम लोगों की राहुल गांधी से मुलाकात हुई, वो कैंपों में लोगों को बुलाकर युवाओं को, यूथ कांग्रेस के लड़कों को, NSYI वालों को, महिला कांग्रेस को, सेवा दल को, सबको से उन्होंने बात किया और इसके बारे में जानकारी।
दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।